वैसे मैंने जो कुछ भी कहना था मैं कह चुका हूँ ऐड के द्वारा, और ज़्यादा कोई गुंजाइश रही नहीं, लेकिन साथ में सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा जो मैं बहुत साधारण सी चीज़ है जो मैं हमेशा कहता हूँ, एक अच्छे हेल्थ के लिए ज़िंदगी में एक छोटी सी चीज़ आप लोग फॉलो कर लें, आई एम श्योर कि कई लोग करते होंगे, 6:30 बजे के बाद खाना ना खाएं। सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, इससे डायबिटीज़ हो या कोई भी किस्म की हाइपरटेंशन हो या कोई भी हार्ट अटैक हो, मतलब जितनी मर्जी डिजीज़ ले आओ, एक 6:30 बजे के बाद ना खाने से आप ये सारे डिजीज़ को दूर भगा देते हैं। और जिससे मतलब एक वक्त का खाना खाना हमारे देश का फ़ायदा है, हाँ, बहुत अन्न रहेगा, सब कुछ रहेगा, फ़ायदेमंद रहेगा और सेहत के लिए बहुत अच्छा है। बाकी सारी चीज़ें तो मैं कह चुका हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू वेरी मच। से पहले वर्णव जी से कि वो यहाँ आए और अपने विचार प्रकट करें। थैंक यू। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित और इस कैंपेन को जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेट किया है, ऐसे हमारे इंडस्ट्री के सुपरस्टार अक्षय कुमार जी, मेरे साथी आशीष शेलार जी, भामला फाउंडेशन के माध्यम से जो सामाजिक कार्य लगातार करते रहे हैं, ऐसे आसिफ भामला जी, डॉक्टर रमाकांत पंडा जी, अजय मेहता जी, अजिंक्य डी वाई पाटिल जी, सुनील कपूर जी, शेखर सुमन जी, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और उपस्थित बहनों का और MCGM का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ कि एक बड़ा ही अच्छा कैंपेन उन्होंने आज शुरू किया। और जैसा हम सभी जानते हैं कि एक साइलेंट किलर के रूप में जिस प्रकार से डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन आज हमें अपनी चपेट में ले रहा है, एक बड़ी ही अलार्मिंग सिचुएशन है, जहाँ एक ओर हम लोग अलग अलग प्रकार के युद्ध लड़ते हैं और अपने जीवन में